सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास वैलोरेंट में ये एरर आ रहा है, कनेक्शन एरर, एरर कोड VAN68, तो इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको विंडोज़ 10 के सर्च बार में टाइप करना है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अलाउ एन ऐप थ्रो फायरवॉल के ऊपर क्लिक कर इसको जो है ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर चेंज सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अलाउ अनदर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सी ड्राइव जो है सेलेक्ट कर देना है, सी ड्राइव ओपन करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर सी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक कर इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड गेम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है वैलोरेंट फोल्डर को ओपन कर देना है, लाइव फोल्डर को भी जो है आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वैलोरेंट का एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर वैलोरेंट एप्लीकेशन को जो है सेलेक्ट कर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ इस तरीके से जो है मैसेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बूट स्ट्रैप पैकेज गेम, तो यहां पर आपको जो है प्राइवेट और पब्लिक यहां पर दोनों बॉक्स में जो है आपको चेक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है यहां पर अलाउ अनदर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहां पर शूटर गेम का जो फोल्डर है इसको जो है आपको ओपन कर देना है दोस्तों। उसके बाद बिनरीज फोल्डर को जो है आपको डबल क्लिक कर ओपन करना है। Win64 फोल्डर को भी जो है आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहां पर वैलोरेंट एप्लीकेशन को जो है सेलेक्ट कर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फिर से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है मैसेज शो हो रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये जो वैलोरेंट है आपको जो है यहां पर इस बॉक्स में जो है आपको चेक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहां पर चेक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक कर जो है सेटिंग को जो है सेव कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 10 के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट। उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कमेंड प्रॉम्प्ट में इस तरीके से टाइप करना है ipconfig /flushdns। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है कमेंड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देना है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली वैलोरेंट एरर जो है रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।